राजनीति के रंग अलग अलग होते हैं, जो रांची में देखने को मिला। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार झारखंड में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते दिख रहे हैं। मौका था रांची में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें उन्होंने झारखंड में चुनावी बिगुल फूंकते हुए सीएम रघुवर दास की सरकार पर हमला बोला। और जो होता है दारू पीने वाला बहुत लोग चला आता है रात में झारखंड और यही पी पा के चला जाता है। हम कब से कह रहे हैं कि अरे भाई बिहार झारखंड तो दोनों भाई है ना, अलग अलग राज्य बना है लेकिन बिहार और झारखंड तो एक है, ये दोनों तो भाई है। एक जगह दारू को बंद कर दिया और दूसरा जगह दारू का दुकान ज्यादा खुलवा रहा है, ये क्या तरीका है भाई? और ये कितनी गंदी बात है आपको मालूम है? इसके लिए कितना ज्यादा प्रयास हुआ है ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए शुरू से ही। झारखंड में जेडीयू के लिए सियासी जमीन देखते हुए नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतर आए। झारखंड में तो इन बातों के बारे में चर्चा करके लोगों का मनोबल बनाना है कि जो एकदम पीछे था उसमें इतना काम हो सकता है और झारखंड के पास तो इतनी संपत्ति है, यहां तो बहुत आगे बढ़ सकते। जो झारखंड में छोटा नागपुर टिनेंसी एक्ट है और संथाल परगना टिनेंसी एक्ट है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। झारखंड के कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए सुशासन बाबू भी उत्साह से लबरेज दिखे। बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे नीतीश कुमार ने झारखंड से बिहार की तुलना करते हुए यहां की बीजेपी सरकार और उनके कार्यशैली पर खूब निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।